प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संयुक्त प्रयासों से बुंदेलखंड के सूखे को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आज सरकार की अमृत सरोवर योजना को अमली जामा पहनाते हुए झांसी में जिलाधिकारी तो अन्य स्थानों पर जनप्रतिनिधियों ने तालाबों का भूमि पूजन किया है। आज जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार के द्वारा अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत विकासखंड बड़ा गाँव के ग्राम पंचायत रौनी में तालाब के लिए चिन्हित की गई भूमि का पूजन एवं तालाब का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी झांसी, उप श्रम आयुक्त, श्रम एवं रोजगार तथा खंड विकास अधिकारी ने भी तालाब के निर्माण में श्रमदान किया है। इसके अलावा मऊरानीपुर में अमृत सरोवर अभियान कार्यक्रम के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण अभियान तेज कर दिया गया है। इसके चलते मऊरानीपुर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर पप्पू सेठ द्वारा ग्राम रौनी, गढ़ा, बड़ा गांव, सेकरा और घुराट में विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही फावड़ा गैती लेकर उन्होंने स्वयं श्रमदान करते हुए तालाबों का गहरीकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान मऊरानीपुर ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह परिहार और बंगरा ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य द्वारा भी श्रमदान किया गया। इस दौरान विधायक रश्मि आर्य ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ हर गाँव के व्यक्ति तक पहुँचाना उनका उद्देश्य है। इसके अलावा मऊरानीपुर के ग्राम बीरा में जिला पंचायत सदस्य हेमंत सेठ द्वारा तालाब के लिए चिन्हित भूमि का पूजन किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान देवेंद्र खरे, सिद्धार्थ गोस्वामी सहित गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। योगी सरकार में चलाई जा रही उस योजना के तहत बुंदेलखंड में पानी की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकेगा और इन कार्यों से क्षेत्र की जनता में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या पानी की ही तो है। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.